मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की बहुत फरमाइश पे, मेरी बहनों की बहुत फरमाइश पे, मेरे फेसबुक पे, YouTube चैनल पे आप लोगों ने प्राइवेट पार्ट्स जो डार्क हो जाते हैं उनके बारे में आप लोगों ने पूछा था कि ऐसी कोई हर्बल होम रेमेडी हो जिससे हमारा ये मसला हल हो सके। और ये उनके लिए भी है और उनके लिए भी है जिनके नकल्स बहुत डार्क हो जाते हैं, नकल्स डार्क हो जाते हैं, पाँव डार्क हो जाते हैं, कोहनियाँ डार्क हो जाती हैं। इवन ये इतनी सेफेस्ट रेमेडी है कि ये आप अगर बच्चे जो क्रॉलिंग करते हैं उनके भी जो डार्क पार्ट्स हो जाते हैं, जो फोल्डिंग एरियाज, कोई भी बॉडी का फोल्डिंग एरियाज जैसे ये फोल्ड करता है, ये फोल्ड करता है, यहाँ पे फोल्ड्स आते हैं, तो वो जो बहुत ज़्यादा गर्दन बिल्कुल डार्क हो जाती है, अगर बच्चियों की गर्दन बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है तो सीरम इंसुलिन लाजमी कराइए, ठीक है, और वॉक कीजिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये रेमेडी है, कीजिएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मूंग की दाल। ये देखिए मूंग की दाल, नेचुरल डिटर्जेंट, इससे आप बच्चों का फेस भी वॉश करा सकते हैं। आगे बाहर हाल में वीडियो बना रही हूँ बच्चों की नेचुरल वे में, कैसे ऑर्गेनिक और नेचुरल वे में अपने बच्चों के लिए आप चीज़ें बना सकते हैं, वो भी मैं जो आप लोग मुझे लाइक मेरे जो चैनल पर हैं, जो आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया है उसमें एक सजेशन बच्चों के लिए भी है, वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। मैंने क्या किया, मूंग की दाल को पीस लिया, पाउडर बना लिया, एक बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ, ठीक है। ये मूंग की दाल बताने के लिए रखा था, इसको साइड पे कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है दही, सही है, दही भी एक चम्मच, हमें इसको क्रीम बनाना है, ठीक है। आप लोग सबको पता है कि मूंग की दाल जो है वो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, जब मैं दो चीज़ें ऐड करती हूँ तो पहले इनको मिक्स कर लेती हूँ। मूंग की दाल लिया, दही ली, और दही जितना खट्टा हो, जितना पुराना हो इतना अच्छा है, जैसे फ्रिज में रह जाता है ना जो हम कढ़ी बनाने के लिए दही रखते हैं वही। तीसरी चीज़ खौलता गर्म पानी एक चम्मच, सही है। ये खौलता गर्म पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि मूंग की दाल को पानी मिल जाए और वो फूल जाए, ठीक है। ये देखिए, ये मैं इसको, ये बन गई ना क्रीमी शक्ल, ये देखिए क्रीम बन गई। और इसमें मैं वाइटनिंग एजेंट, जो आपके स्किन को जो डार्क पार्ट्स हैं उसको सही करने में इन दोनों की मदद करेगा, वो है ग्रेपफ्रूट। अब ग्रेपफ्रूट का जूस मुझे लेना है तकरीबन एक चम्मच, एक से दो चम्मच, ठीक है। तो इसको इसे स्क्वीज करके मैंने निकाला है, सही, इसमें इसके बीज चले गए, मैं बीज वापस ले रही हूँ, बीज निकाल दूंगी। अगर आप बहुत सारे रेमेडीज कर करके थक गए हैं मगर आपका ये मसला हल नहीं हो रहा, सिर्फ मेरे कहने पे आप ये रेमेडी कर लीजिए, कितने दिनों तक 15 दिन तक आप चाहें तो ये रेमेडी आप डेली भी कर सकते हैं। आप किसी भी पार्ट पे, अंडर आर्म्स भी आप लगा सकते हैं, अंडर लेग्स, थाइज जो बिल्कुल डार्क हो जाते हैं उस पर भी आप लगा सकते हैं। आपने इसको ब्रश की मदद से लगाना है, सही है। इसको पहले 10 मिनट के लिए रहने देना है, क्योंकि दाल जो आपको पता है मूंग की दाल फूल जाती है, वो फूल जाएगी, फिर आपने इसको इस तरह ब्रश की मदद से लगाना है, और लगाकर आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको मसाज करना है फॉर 2 to 3 मिनट्स। बस उसके बाद आपने जो है टैप वाटर से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अगर आपको लगता है आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको कोकोनट ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ इस रेमेडी है डेली भी कर सकते हैं। और अगर आप बना कर रखना चाहें, इस तरह आपने बना के रखा हुआ है तो आप एक हफ्ते तक ये जो है, क्योंकि इसमें दही है, ये आप एक हफ्ते तक फ्रिज में बना कर रख सकते हैं और रोज़ाना रात सोने से पहले लगा सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जो डार्क पार्ट्स हैं वो लाइटन अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी आज की रेमेडी, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पसंद इसलिए आएगी कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो ये इस्तेमाल कीजिएगा
और अगर आपको हमेशा की तरह जाते हुए वही लाइन है, अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं तो आपने मेरे लिए एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपसे और आप मुझसे सीखते रहें, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं से ऑब्वियस बहुत खुशी होती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।